So the next is after atomic radii, the next is your, let me talk about ionization enthalpy. Yes. अब बताओ कि आयोनाइजेशन इनथैल्पी इनकी प्रीवियस ग्रुप से ज्यादा होगी या कम? हाँ जी, आयोनाइजेशन इनथैल्पी प्रीवियस ग्रुप से ज्यादा होनी चाहिए या कम? यस हरी, आप कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए बेटे. अलोंग द पीरियड क्या होती है? ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है. डिक्रीज होने के कारण आपकी इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड देयर बाय देयर शुड बी इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, अभी कह रहे हैं देयर इज अ शार्प डिक्रीज इन द आयोनाइजेशन इनथैल्पी वैल्यू फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन. ठीक है, व्हाई देयर इज शार्प डिक्रीज एंड फ्रॉम सिलिकॉन टू जर्मेनियम द डिक्रीज इन आयोनाइजेशन इनथैल्पी इज नॉट सो शार्प. प्लस टू के बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यस बेटे, यहाँ पे अगेन वही बात, यहाँ पे डिक्रीज ज्यादा है, यहाँ पे शार्प नहीं है. यहाँ पे हमें पता है कि डाउनवर्ड नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती जाती हैं, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता जाता है, मगर यहाँ पे आगे अगेन 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 सेम, यहाँ पे आगे बेटे डी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं. तो जब सिलिकॉन टू जर्मेनियम आता है इतना डिक्रीज नहीं होता, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई छोटा हो जाता है इसका, तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. ठीक है, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बेटे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. हमें पता है कोई भी पीरियड में जो एटॉमिक रेडियस ये अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज, चाहे आयोनाइजेशन इनथैल्पी है, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी है, वो इंक्रीज करती है. एक्सेप्शन कहाँ आएंगी? जहाँ पे हाफ फिल्ड होगा. एक्सेप्शन कहाँ आएंगी? जब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स इन्वॉल्व होने शुरू हो जाएंगे. अब जैसे कि डाउन द ग्रुप हम आते हैं कार्बन और सिलिकॉन के में, अभी डी इलेक्ट्रॉन्स फिल होना शुरू नहीं करे, बट जर्मेनियम में डी इलेक्ट्रॉन्स फिल होना शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई की भी एक्सेप्शन है, जितना इंक्रीज होना चाहिए उतना नहीं होता. सेम आयोनाइजेशन इनथैल्पी की भी एक्सेप्शन है बेटे, जहां पे एक्सेप्शन वहां पे क्वेश्चन. ठीक है, एक्सेप्शन आप लिखते रहा करो कि सिलिकॉन टू जर्मेनियम इतनी इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज नहीं होती जितनी होनी चाहिए, क्योंकि जर्मेनियम में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाते हैं, जो इनर डी ऑर्बिटल कपोर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है. अब नेक्स्ट लिख रहे हैं जी, आयोनाइजेशन इनथैल्पी ऑफ लेड इज एक्सपेक्टेड टू बी लेस देन दैट ऑफ टिन बट इट इज स्लाइटली मोर. हाँ जी, लेड की कम होनी चाहिए टीन से, मगर लेड की क्या है ज्यादा? अब आप बताओ क्यों, जल्दी बताओ. ये ग्रुप बच्चे खुद बताते हैं जब पहला वाला ग्रुप कर लेते हैं. क्या है यहाँ पे लेड पे? F. ठीक है, F में क्या होता है बेटे? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट. पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण इसका एटॉमिक रेडियस छोटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा. यहाँ पे F की बात करोगे, यहाँ पे डी की. ठीक है, ये डी है, ये एफ है, इसके पास डी भी है, इसके पास दोनों की बात कर सकते हो, इसके पास डी और एफ. चलो डी तो इसके पास भी है ना, तो हम ज्यादा एफ की बात करते हैं. ठीक है, एफ का और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाता है, एटॉमिक रेडियस छोटा हो जाता है, आयोनाइजेशन इनथैल्पी बढ़ जाती है. ठीक है, सो गॉट द पॉइंट. So next is your metallic character. Yes. अब हमें पता है अच्छा मेटल कौन सा है जो कि इलेक्ट्रॉन ईजली दे, और डाउन द ग्रुप हमेशा मेटैलिक करैक्टर इंक्रीज करता है. कार्बन और सिलिकॉन जो है वो क्या होते हैं? हाँ जी, कार्बन एंड सिलिकॉन आर, बताओ आप जरा जल्दी. हरिया फरिया, नॉन मेटल्स. जर्मेनियम क्या होगा?
What is germanium? Hurry up. Metalloid. Fit tin or lead? Tin or lead? Non-metals. Sorry, metals. ठीक है. Carbon and silicon are non-metals. Then metalloid. Then metals. Metallic reactor downwards हमेशा increase होता है. Tendency to lose the electron बढ़ता जाता है. हम कहते हैं जी electropositive character भी increase करता है downward. ठीक है. Then आजो next है बेटे electronegativity. Yes. Electronegativity down the group क्या होनी चाहिए? हरी अब ये था आपका मेटेलिक करेक्टर देन कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यस हमें पता है वैसे क्या होता है डाउन द ग्रुप इट विल डिक्रीज अलोंग द पीरियड इट विल इंक्रीज हाँ जी आपके हिसाब से डाउन द ग्रुप क्या होनी चाहिए बेटे डाउन द ग्रुप हमारी डिक्रीज होनी चाहिए क्योंकि हमें पता है कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है ठीक है तो वैल्यू डिक्रीज करेगी कार्बन टू लेड मगर रेगुलर मैनर में डिक्रीज नहीं करेगी वही बात है सेम क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएंगे डी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या आ जाएंगे बेटे एफ हिमांशु इंक्रीज क्यों करेगी नीचे जाते हुए इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज करती है ठीक है सो इट विल डिक्रीज क्योंकि आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है तो जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है डाउन द ग्रुप इट विल डिक्रीज मगर इतना डिक्रीज नहीं होता या हम कहें कि शार्प डिक्रीज नहीं होता क्योंकि हमें पता है जर्मेनियम में डी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं और अगर हम लेड की तरफ मूव करें तो इसमें एफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ओके अच्छा नेक्स्ट आ गया डेंसिटी यस नेक्स्ट आ गया बेटे डेंसिटी आप बताओ जरा डेंसिटी डेंसिटी दे आर मोर डेंसर और लेस डेंसर मोर है ना और डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज करेगी क्योंकि हमें पता है एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास इंक्रीज करने से डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है मास ज्यादा बढ़ रहा है हम देख रहे हैं कि एज कंपेयर टू वॉल्यूम क्योंकि इनके पास एक्सेप्शंस भी बहुत हैं इनके पास डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं या एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं जिसके कारण इनका एटॉमिक रेडियस छोटा हो जाता है पर मास तो बढ़ता है तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगी डेंसिटी इंक्रीज करेगी ठीक है क्योंकि डेंसिटी होती है बेटे अगेन मास पर यूनिट वॉल्यूम हमें पता है डाउन द ग्रुप मास इंक्रीज कर रहा है ठीक मगर किन्हीं केसेस में वॉल्यूम डिक्रीज भी कर रहा है तो इट मींस जो डेंसिटी है वो क्या करेगी इंक्रीज करेगी तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यस हाँ जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब बताओ इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट प्रीवियस ग्रुप से ज्यादा होना चाहिए या कम यस नॉन डेंसिटी मोर होगा चलो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हरी अप हाँ जी बताओ जल्दी जल्दी बेटे इनका प्रीवियस ग्रुप से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि देखो यहां से यहां जाते वक्त साइज है छोटा हो गया ठीक है हम नीचे की तरफ देख भी रहे हैं मेटल्स बन रहे हैं और वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं साइज छोटा हो रहा है वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे ठीक है जितना साइज छोटा होगा उतना क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे तो एक एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट कर सकता है ठीक है इसलिए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इंक्रीज आप क्या लिखोगे बिकॉज दे हैव मोर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि वाई
because we know that the electrons available are now 4 for the bond formation, and size, atomic size is very much less as compared to group 13. ठीक है, and downward तो हमें पता है melting and boiling point again increase करेगा due to there is effective inter atomic forces. Okay बेटे, done. अच्छा, now the next very important property is catenation. हाँ जी, क्या catenation show करते हैं group के members? हाँ जी, कैटिनेशन तो कार्बन कितने सारे जो कंपाउंड्स करे हैं वो हमने इसकी यही प्रॉपर्टी के कारण करे हैं, कैटिनेशन. वी आर सराउंडेड बाय हाइड्रोकार्बन्स बिकॉज ऑफ द कैटिनेशन प्रॉपर्टी, एंड वी नो दैट यू हैव डन क्लास 10th आल्सो एंड 11th आल्सो. What is catenation? It is self-linking property of an atom. So the carbon has the maximum self-linking property in the, we can say, periodic table में ही कह सकते हैं कि जो carbon में सबसे ज्यादा है, तो hydrocarbons are known to us. ठीक है, ये नहीं बाकी नहीं बनाते, बाकी भी बनाते हैं, थोड़ी बहुत germanium भी बना लेंगे, tin की equivalent होगी, silicon थोड़े से silanes बनाते हैं, मगर मैक्सिमम जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है बेटे वो कार्बन की है. कार्बन की किस वजह से है, क्योंकि इस कार्बन का साइज बहुत छोटा है, दैट इज अ स्मॉल है, इसलिए कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है. ठीक है, अगर डाउनवर्ड जाते जाओगे तो साइज इंक्रीज करता जाएगा, तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो है डिक्रीज करते जाएंगे. देखो, एक छोटा कार्बन दूसरे छोटे कार्बन को आराम से, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेगा, तो क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी. तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, अगर साइज बढ़ेगा, अब बहुत मोटे मोटे हैं सारे, है ना, तो जब बहुत मोटे मोटे होंगे तो बहुत सारे मोटे मोटे आप इकट्ठे नहीं लगा सकते, इतने छोटे छोटे होंगे उनको जल्दी लगा सकते हैं आप डे टू डे लाइफ में. एक अगर आप बेंच पे मैंने यहाँ पे अगर छोटी मेरे पास मान लो मार्बल्स हैं, तो आई कैन अकोमोडेट मोर मार्बल्स इन अ बॉक्स रेदर देन अ फुटबॉल. ठीक है, तो वैसे जब फुटबॉल होती है तो इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए होते हैं, तो इनका जो जो आपस में बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी वो कम हो जाती है. ठीक है, इंटर जो है आपस में, ठीक है, जो एक कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड बनना है दैट इज मोर ईजियर एज कम्पेयर टू जो सिलिकन सिलिकन सिंगल बॉन्ड बनना है, क्योंकि इसका साइज छोटा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और इसके पास अभी लोन पेयर भी नहीं है. देखो, हम आगे फ्लोरीन की केस में करेंगे कि उसके पास लोन पेयर होने की वजह से उसका सिंगल बॉन्ड वीक है. अब इसके पास तो इतने लोन पेयर है ही नहीं और साइज इसका छोटा है, इसलिए इसका जो बॉन्ड है बेटे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. आपको एक तरफ बोला जाएगा कि फ्लोरीन का सिंगल बॉन्ड नहीं स्टेबल, यहाँ पे बोला जाएगा कार्बन का सिंगल बॉन्ड स्टेबल है. कार्बन का क्यों सिंगल बॉन्ड स्टेबल है, क्योंकि कार्बन का साइज छोटा होने के कारण बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनता है. ठीक है, इसके कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रांग बनते हैं एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, देन एज कम्पेयर टू जर्मेनियम एंड एज कम्पेयर टू टिन. व्हाट इज द पॉइंट, सो दिस इज अ कैटिनेशन प्रॉपर्टी. So the next property we move on is multiple bonds. So multiple bonds बनने की tendency है इसमें. Yes, you can form multiple bonds. Carbon में हमने देखा है, we have drawn alkyne. कार्बन तो सी डबल बॉन्ड सी भी देखा है आपने, सी ट्रिपल बॉन्ड सी भी देखा है, तो इसमें है. और अदर एलिमेंट्स में ये वाला पी पाई जो बॉन्ड्स हैं बेटे वो बहुत कम हैं. क्यों? क्योंकि अदर एलिमेंट्स का साइज बहुत छोटा है. देखो, अभी भी हमने कहा कि कार्बन का साइज छोटा होने के कारण कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड बन सकते हैं. इनको कहा जाता है पी पाई बॉन्ड.
अगर हम डाउनवर्ड जाते रहें, साइज बढ़ता जाएगा, तो दो एटम्स के बीच में ये वाले बॉन्ड जो है वो बहुत वीक होंगे, पी पाई पी पाई। मगर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ इनका पी दूसरे के डी के साथ, या दूसरे का पी इनके डी के साथ बॉन्ड बनाने में हेल्प कर सकता है। आपस में नहीं ये पी पाई बना सकते। आपस में क्यों नहीं पी पाई बना सकते? क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा है। साइज बड़ा है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे आपस में, नेवर। ठीक है, तो मगर कार्बन जो है वो पी पाई बना सकता है, बाकी किसी दूसरे एटम के साथ पी पाई डी पाई बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको क्वेश्चन आएगा वाई अमोनिया इज अ प्लेनर, वाई अमोनिया इज अ पिरामिडल। ठीक है, या राइट डाउन द क्वेश्चन लाइक दिस। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन नहीं करूंगा। ट्राई मिथाइल अमीन, दिस इज अ ट्राई मिथाइल अमीन, दिस इज पिरामिडल, वेयर एज ट्राई, हाँ ट्राई सेलाइल, दिस इज प्लेनर। आपको ये क्वेश्चन पेपर में आता है बेटे, व्हाई ट्राई मिथाइल अमीन इज पिरामिडल व्हाइल ट्राई सलाइल अमीन इज प्लेनर। इसको ध्यान से समझो, देखो इसका केस यही है, व्हाई आई एम रेजिंग इट। देखो जैसे अमोनिया, अमोनिया ये है, अमोनिया के थ्री एच रिमूव करके हम तीन सी एच थ्री ले, ठीक है, और ये लोन पेयर। अब इसने इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। नाइट्रोजन हमें पता है बेटे, इट इज 2s2 2p3। ठीक है, हर एक कार्बन के साथ ये, हर एक के साथ ये सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। ये सी एस थ्री लगा है, ये सी एस थ्री लगा है, और ये सी एस थ्री लगा है, और ये आपका लोन पेयर। लोन पेयर ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन गया? sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन गया, और शेप क्या होगी बेटे? पिरामिडल। ठीक है, यहां से नाइट्रोजन को पकड़ो, ये पिरामिड हमने की हुई है। अब आ जाओ ट्राई सिलाइल अमीन में, ऐसा क्या होता है? एन एस आई एच सी होना, इसको भी ऐसे चाहिए था। ये कहते जी ऐसे स्ट्रक्चर नहीं है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। प्लेनर में क्या होता है देखो, ये प्लेन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये एस आई एच थ्री हो गया, ये एस आई एच थ्री, ये एस आई एच थ्री, तो ये प्लेन में आ गया, ट्राइगनल प्लेनर बन गया। और ये जो है ये पी पाई डी पाई बॉन्ड है, जो एक रेजोनेंस है, कभी ये इसके साथ बना रहा है, कभी ये इसके साथ बना रहा है, कभी ये इसके साथ बना रहा है। अब देखो ये पी का और इलेक्ट्रॉन्स है, पी में इलेक्ट्रॉन्स है किसके? ये नाइट्रोजन के पी के इलेक्ट्रॉन है जो ये वाले बच गए थे। ठीक है बेटे, ये नाइट्रोजन के पी के इलेक्ट्रॉन है ये जो बच गए थे, तो ये जो है फिल्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब एस आई में कार्बन में तो नहीं है, इस कार्बन में डी ऑर्बिटल नहीं है, मगर एस आई में बेटे डी ऑर्बिटल है। ठीक है, इसका डी ऑर्बिटल, इसे एक तरह का बैक बॉन्डिंग मान लो, इसके एम्प्टी डी ऑर्बिटल में ये वाले जो पी हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो ये जो बॉन्ड बना है इसे कहा जाता है पी पाई डी पाई, क्योंकि सिग्मा के बॉन्ड जो भी बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड। ठीक है, और पी किसका इन्वॉल्व है? नाइट्रोजन का, और डी किसका इन्वॉल्व है? सिलिकॉन का।
किसी भी एक सिलिकॉन का इन्वॉल्व हो सकता है, और ये स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा बेटे, प्लेनर बनाएगा, ऐसा पी पाई डी पाई, क्योंकि कार्बन में डी होता ही नहीं है, कार्बन डजेंट हैव डी ऑर्बिटल, तो ऐसा पी पाई डी पाई बॉन्ड इसमें नहीं बन सकता, मगर पी पाई डी पाई बॉन्ड इसमें बन सकता है। तो मल्टीपल बॉन्ड की टेंडेंसी कार्बन में होती है, बट व्हाट काइंड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ओनली पी पाई बॉन्ड विद कार्बन इट्सेल्फ, ओके। बाकी सारे जो हैं सिलिकॉन, बाकी सब हैं उनका जो है बाकी अदर के साथ होती है, जैसे पी पाई डी पाई, ठीक। इसमें अदर एलिमेंट्स आते हैं तो सल्फर आ जाता है, नाइट्रोजन आता है, जैसे हम कीटोन्स में बनाते हैं या हमने साइनाइड्स में बनाए, ऐसे ये अगर अदर एलिमेंट्स के साथ जाएगा तो ये भी पी पाई ही जाएगा। ये वाले जो होते हैं ये पी पाई डी पाई जाते हैं, क्योंकि दे हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल, ये इस तरह का नहीं जा सकता। फॉर द पॉइंट, यस बेटे, हाँ जी, चैट बॉक्स खोलिए, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये sp3 है, ये sp2 हो जाएगा, इसमें पिरामिडल है, इसमें प्लेनर है, इसका लोन पेयर ये है, इसका इसमें ये लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये पी पाई डी पाई बॉन्ड बना लेते हैं। फॉर द पॉइंट, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगेन, वाई ट्राई मिथाइल अमीन इज पिरामिडल एंड वाई ट्राई सिलाइल अमीन इज अ प्लेनर इन नेचर, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यस, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी, नेक्स्ट इसको मैं इरेज कर दूं जरा जल्दी जल्दी। यस, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, हाँ जी, +4 +2, ठीक है जी, +2 कब होगी, ठीक है, +2 कब होगी, देखो बेटे यहाँ पे आके हमारा एक इफेक्ट लगता है विच इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस इनर्ट प्योर इफेक्ट के कारण जो लेड है उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाती है, दैट इज अ +2, यस, ठीक है, बाकी सबकी +2 +4 होती है, मगर जो स्टेबल लेड की है वो +2 है, बाकी सारे +4 ज्यादा दिखाएंगे, +2 कभी कभी दिखाएंगे, क्योंकि लेड में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, ठीक। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, टिन क्लोराइड, ऐसे क्वेश्चन लिखो बेटे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये दो क्लोराइड हैं, अब ये पूछा जाएगा टिन क्लोराइड एंड लेड क्लोराइड आर मोर इजली फॉर्म्ड एज कंपेयर टू टिन टेट्रा एंड लेड टेट्रा क्लोराइड, ये दोनों से ये दोनों इजली बनती हैं, ये कम बनती हैं, ऐसा क्यों, तो आपका ये रीजन है, यहाँ पे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाता है, यहाँ पे भी इनर जो डी ऑर्बिटल्स हैं इन्वॉल्व होने के कारण ये इतनी स्टेबल, +2 ज्यादा स्टेबल होती है, मगर अगर दोनों को कंपेयर करें तो हम ये लिखेंगे ये दोनों बनती भी हैं, मगर लेड लेड Cl2 इज मोर स्टेबल देन SnCl2, वाई, अगेन आपके पास आंसर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसके बाद ये पूछा जाता है कि SN2+ इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ओके, SN2+ इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड लेड
और पॉजिटिव होना चाहिए, इज ऑक्सीडाइजिंग इवन। गलतियां, हाँ जी, ये क्वेश्चन बेटे बहुत बारी पूछा जाता है। देखो लेड टिन, टिन टू पॉजिटिव है, ठीक है, टिन टू पॉजिटिव है, अगर ये टू और इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये क्या बन जाएगा, टिन फोर पॉजिटिव जो कि स्टेबल है, ये अगर दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से, है ना, ले लेगा, तो ये फोर पॉजिटिव से अब ये टू पॉजिटिव बन जाएगा, दैट इज वाई इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये नॉट पेयर इफेक्ट के कारण इसकी ये जो टू पॉजिटिव है वो ज्यादा स्टेबल है टिन की टू पॉजिटिव से, ठीक है, टिन की टू, सॉरी टिन, हाँ, लेड टू पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन टिन टू पॉजिटिव, वाई, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे आता है बेटे, जो प्लस टू, जिनकी प्लस टू स्टेट है, उनके कंपाउंड्स शुड बी कोवलेंट और आयनिक, कोवलेंट और आयनिक इन द सेम वे, प्लस फोर के क्या होने चाहिए, कोवलेंट और आयनिक, यस, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटे, प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अब जैसे यहाँ पे प्लस फोर होती है, वो क्या करेंगे, दूसरे से, मतलब उनके जो साइज है वो डिक्रीज हो गया, तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। हमें फजान रूल क्या कहता है, कैटायन का साइज छोटा तो कोवलेंट करैक्टर ज्यादा, जिसने चार इलेक्ट्रॉन दिए हैं उसका साइज क्या है, स्मॉल है, जिसने फोर इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं बेटे, तो फोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसका साइज क्या है, स्मॉल है, तो उसका जो कोवलेंट करैक्टर है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें आयनिक, तो टू पॉजिटिव आयनिक होगा, क्योंकि इसने सिर्फ कितने दिए, टू इलेक्ट्रॉन देगी, इसका साइज क्या है, बड़ा, तो ये फजान रूल के हिसाब से लार्जर केटाइन, इट इज आयनिक इन नेचर, ठीक है, मतलब पॉजिटिव टू वाला क्या बन गया आपका बेटे, दैट इज आयनिक, एंड पॉजिटिव फोर वाला बन गया कोवलेंट। ओके, एक आपने इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं भूलना और एक आपने फजान रूल नहीं भूलना जब भी आप कोई क्वेश्चन करोगे पी ब्लॉक का, ठीक है, जितना साइज छोटा होता है उतना वो कोवलेंसी। ये रिपीट हम प्लस टू में भी करेंगे, आपको हमेशा याद रखना है बेटे, जितना ज्यादा किसी के ऊपर चार्ज आ रहा होगा ना उतना वो कोवलेंसी की तरफ जा रहा होगा, और जितना कम चार्ज आ रहा होगा उतना वो आयनिक करैक्टर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, जितना चार्ज कम आयनिक, जितना चार्ज ज्यादा कोवलेंट, ये फजान रूल बताता है आप, ठीक है। इसके बाद जो है आपकी, इस केस में टिन क्लोराइड अगेन इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, टिन क्लोराइड Cl2Q बनती है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, अगर Cl4 बनेगी तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेगी, खुद को रिड्यूस कर देगी, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगी, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर टिन Cl2 है जो कि इतनी स्टेबल नहीं है लेड Cl2 से, वो क्या करेगी, दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे के खुद टिन फोर पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगी, ये रिड्यूसिंग हो जाएगी। फॉर द पॉइंट डन, यस एवरीवन। चलो जी, पी ब्लॉक में हमारा थोड़े से और रह गए बेटे।